ओके तो तुमने डिसाइड किया है सोलो टीपीपी या सोलो एफपीपी में रैंक पुश करना, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि सबसे बेस्ट सर्वर्स जो है वो यही है रैंक पुश के लिए, सोलो एफपीपी और सोलो टीपीपी। इसमें बहुत इजीली तुम कॉन्करर कर सकते हो, और अगर ये वीडियो पूरा एंड तक देख लोगे तो भाई कन्फर्म हो जाएगा तुम्हारा कॉन्करर, क्योंकि कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो कि सोलो मैचेस में सबसे ज्यादा काम आती है। तुम डुओ स्क्वाड कैसा भी खेलो, लेकिन सोलो की जो कुछ पॉइंट्स है जो तुमको दिमाग में रख के खेलने ही चाहिए वो बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और जल्दी से यार लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। यार काफी सारे लोग ना देखो वीडियो पूरा देखते हो, तुम्हारी हेल्प भी होती है, बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इट्स अ रिक्वेस्ट, और तुम्हारे लिए भी अच्छा है क्योंकि ऐसे वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं। सो अभी चलते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ, जो है प्ले अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। देखो तुम दूसरों के तरीके से खेलने की कोशिश मत करो कि मैं तुम्हें जो टिप्स बता रहा हूं अगर वो तुम्हें यूजफुल नहीं लगती है तो तुम फॉलो मत करो, अगर तुम उससे बेटर खेल सकते हो, तुम्हारा गेम प्ले अगर अच्छा है तो तुम उस हिसाब से खेलो। किसी और की सेंसिटिविटी, किसी के कंट्रोल से, किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करो, जैसा तुम खेलते हो वैसा खेलो। सेकंड पॉइंट है ऑलवेज हैव अ स्कैरब चार्म। देखो ये बहुत ही प्यारी चीज है, ये सिर्फ इस इवेंट के लिए जो कि एंशिएंट टेंपल का जो इवेंट है, अगर ये चीज तुम्हारे पास है तो तुम अगर एक बार मर भी जाओगे उसके बाद तुम रिकॉल होके वापस आ सकते हो, जब तक तुम्हारा जो लाइक जो रिकॉल का टाइम रहता है उतने टाइम में मरते हो तो रिकॉल होके आ जाओगे। तो ये चीज सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, कहीं भी उतर रहे हो सबसे पहला ये स्कारब चार्म ढूंढो, क्योंकि ये यार तुम्हारी लाइफ बचाने वाला है, तुम्हारा -50 लगने से यही चीज बचा सकती है। थर्ड पॉइंट है टेक डिसेंट ड्रॉप्स। देखो ड्रॉप लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी हॉट ड्रॉप वगैरह मत करो क्योंकि रैंक पुश लॉबी में हॉट ड्रॉप करने का कोई सेंस नहीं है, तुम्हारा एम है कॉन्करर करना ना कि वहां तुम टाइम पास करने गए हो, तो जल्दी मर जाओगे कोई सेंस नहीं है। ड्रॉप्स ऐसे लो जहां पे तुमको एक गाड़ी हमेशा मिल जाए, या फिर पॉसिबल हो तो तुम सीधा गाड़ी पे उतर के कहीं दूर जाके भी लूट कर सकते हो अगर तुम सेफ खेलना प्रेफर करते हो। तो ड्रॉप लोकेशन ऐसा लो जहां तुम्हें व्हीकल मिले, डिसेंट लूट मिले, बंदे ना आए, और कुछ बॉट्स वगैरह अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो तो चलो लक की बात है। फोर्थ पॉइंट है ऑलवेज चेक कंपाउंड्स बिफोर एंटरिंग। देखो यार कभी भी कोई कंपाउंड पे घुस रहे हो ना तो चेक करके घुसना, अगर तुम्हें डाउट है कि यार ये दरवाजा खुला क्यों है, तुम ये सोचोगे कि यार बॉट तो नहीं खोल के गया, बट जरूरी नहीं है वो बॉट ही खोल के गया, और रियल बंदा भी हो सकता है और वो ऊपर कैंप कर सकता है। तो जब भी हल्का सा भी डाउट हो तो जगह को ना बिल्कुल अच्छे से स्काउट करना, अच्छे से बिल्कुल टीपीपी वगैरह लेके घुसना, चेक करके घुसना, ओके, फुटिंग्स वगैरह का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर कोई बंदा रेंगता भी है, लेटा हुआ है, लाइक प्रोन है, तो उसकी भी आवाज आ जाती है, तो अपने हेडफोन्स पे बिल्कुल ध्यान लगाए रखना। फिफ्थ पॉइंट है डोंट डाई फॉर किल्स, मेंटेन योर पोजीशन। देखो काफी बंदे क्या करते हैं, किल्स के चक्कर में ना खुद मर जाता है, तुम किसी से लग रहा है कि भाई तुम इसको मार लोगे, तुम उसको मार भी लोगे, चलो तुमको किल मिल गया, बट सोलो में थर्ड पार्टीज बहुत ज्यादा होती है, तुमने एक को मारा तुरंत तीसरा बंदा तुमको आके मार देगा, तो ये चीज ना बिल्कुल अवॉइड करना। ऐसा नहीं कि ओपन में जा रहे हो किल के चक्कर में, किल्स की भूख चलो है जरूरी किल्स, बट ऐसा नहीं कि तुम उसके चक्कर में मर जाओ, लास्ट जोन में तुम्हें सफिशिएंट किल्स मिल जाते हैं, स्टार्टिंग में किल्स के चक्कर में मत मरना। कोई ओपन में तुम्हें बॉट स्पॉट हो गया तो ये नहीं तुम ओपन से दौड़ते हुए जा रहे हो उसको मारने के लिए, थर्ड पार्टी हो जाएगा मर जाओगे, सोलो में बहुत थर्ड पार्टीज होती है। सिक्स्थ पॉइंट है टेक ब्रेक्स एंड प्ले वन टीडीएम आफ्टर एवरी मैच। देखो ब्रेक्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि तुम्हें लाइक मेंटल सपोर्ट रहेगा, सोलो में ना बंदे काफी लाइक डिप्रेस हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो थोड़े थोड़े ब्रेक्स लो हर एक मैच के बाद, थोड़ा बहुत एक बार राउंड लगा के आओ मम्मी के पास, घर में या कहीं पे भी लाइक किचन में कहीं पे भी एक छोटा सा राउंड लगा लो अपने घर में, पूरा टाइम गेम को मत दो, और एक टीडीएम हमेशा खेलो, एक मैच कंप्लीट हुआ एक टीडीएम खेल के आओ, 3-4-5 मिनट तक टीडीएम खत्म हो जाता है, उससे क्या तुम्हारा गन पावर मेंटेन रहेगा, तुमको मारने की आदत जो है वो बनी रहेगी, है ना, बंदे मारने की बात कर रहा हूँ। सेवन्थ पॉइंट है स्टे कॉन्फिडेंट व्हाइल टेकिंग 1v1 फाइट्स। देखो कभी भी 1v1 लेते हो ना तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कौन सा वेपन है, सामने वाले के पास बहुत अच्छा वेपन है क्या, बिल्कुल सोचो ही मत, कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 70% रोल 1v1 फाइट्स में कॉन्फिडेंस का है, ना कि तुम्हारे स्किल्स का, स्किल्स भी मैटर करती है बट कॉन्फिडेंस नहीं है अगर तो तुम बहुत नूब बंदे से भी मर जाओगे, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो तुम लो एंड डिवाइस होके भी एक iOS वाले को मार सकते हो, चाहे वो कितना भी अच्छा खेलता हो, कॉन्फिडेंट रहो, डर के खेलोगे तो कोई सेंस नहीं है, एक इजी एक ही बंदा तुमको मारना है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आराम से मार सकते हो, भले ही तुमको टाइम लग रहा है लगने दो, होल्ड कर रहे ऊपर बंदा हील कर ले, कोई दिक्कत नहीं, अंधा पुश मत करो, सोच समझ के फाइट लो और कॉन्फिडेंस के साथ फाइट लो। एट पॉइंट है ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड एंड नेवर क्विट। देखो ये तुम्हारे दिमाग में लाइक मेंटेलिटी ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हें हार तो माननी नहीं है, तुम शुरू कर रहे हो तो तुम्हारा कॉन्करर लग के ही लाइक खत्म होना ही चाहिए, तुम्हारा कॉन्करर लगना ही चाहिए, तुम पहले हार मान गए तो कोई
सेंस नहीं है, क्योंकि आज तक जितने लोग कॉन्करर पुश करना स्टार्ट किए हैं, अगर उन्होंने हार नहीं मानी तो उनका कॉन्करर लगा है। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरा ट्राई हार्ड किया और फिर भी नहीं हो, बहुत बहुत रेयरली ऐसा होता है। सो अगर तुम छोड़ोगे नहीं तो तुम्हारा डेफिनेटली कॉन्करर हो ही जाएगा, और जो तुम्हारा सर्वर है सोलो टीपीपी सोलो एफपीपी उसमें तो कन्फर्म होना ही अगर तुम हार नहीं मानते हो तो। और मोटिवेटेड रहो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज वन बीस्ट वेपन फॉर क्लोज रेंज, लाइक UMP हो गया, AK हो गया, बैरल हो गया। एक तुम्हारे पास ऐसा वेपन होना चाहिए जो सिर्फ क्लोज रेंज के लिए ही बना है। लॉन्ग रेंज में तुम M4 स्कार या जो भी स्नाइपिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट क्लोज रेंज के लिए एक ऐसा वेपन जरूर रखना। क्या है, उससे तुम मारोगे तो ठीक है, चलो लाइक वो डैमेज देगी, अच्छी है क्लोज रेंज के लिए, बट उससे मेंटालिटी पे फर्क आता है, आपका लाइक जो कॉन्फिडेंस रहेगा ना वो बढ़ जाएगा। 10th पॉइंट है, कैरी एटलीस्ट 5 स्मोक्स। देखो स्मोक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोलो में जब भी पुश कर रहे हो, क्योंकि थर्ड पार्टीज जो कि मैंने पहले बताया बहुत होती है, तो तुमको स्मोक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कभी तुम जोन एंट्री ले रहे हो, या फिर कभी तुम लाइक कहीं पे हील कर रहे हो, छोटा सा कवर है, वहां से निकल रहे क्रॉस करने के लिए, स्मोक वॉल बना सकते हो, तो स्मोक्स का बहुत ज्यादा यूज करो। 5 स्मोक्स हमेशा कैरी करो, और ध्यान रहे कि तुम उन स्मोक्स का प्रॉपर यूज भी करो, बचा के रखने का कोई सेंस नहीं है। तुम एक बंदे को मारोगे तुम्हें वापस मिल जाएंगे, तो जितना यूज कर सकते हो करो। 11th पॉइंट है, यूज ऑल योर यूटिलिटीज व्हाइल पुशिंग टू अ कंपाउंड। कभी भी एक कंपाउंड पे अगर बंदा बैठा है, तुम्हें मालूम है फुटस्टेप आ गया, तुम उधर पुश कर रहे हो, तो तुम्हारे पास जितनी यूटिलिटीज है, ग्रेनेड्स, मोलोटॉव्स, सबका यूज करो, उसके बाद उस पे घुसो। वैसे तो उतने में ही अगर वो बंदा मर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी मरता तो उसके बाद ही पुश करो, सब यूज कर लो, ऊपर जाकर तुम्हें मिल ही जाएगा उस बंदे को मारने के बाद। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या सामने वाले का कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, उससे अगर तुम ब्रेक कर लिए तो तुम आराम से उसे मार सकते हो, जो कि मैंने बताया कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। सामने वाले का कॉन्फिडेंस ब्रेक करो, फिर उस पर पुश करो, और कॉन्फिडेंस के साथ पुश करो, आराम से जीत जाओगे 1v1 फाइट्स। 12th पॉइंट है, ऑलवेज कीप अ कवर्ड व्हीकल। एक व्हीकल अपने पास हमेशा रखो, और कवर्ड होना चाहिए, कोई ओपन व्हीकल नहीं होना चाहिए, बाइक वगैरह नहीं, कोई भी लाइक 4-सीटर है और अच्छा लाइक जिससे कवर है वो व्हीकल यूज करो। और व्हीकल्स ना बहुत ज्यादा लाइक सोलो से ज्यादा किसी में भी व्हीकल्स यूज होते ही नहीं है। लास्ट जोन में तुम्हें 10 बंदे दिखेंगे ना, तो 10 के 10 गाड़ियों पे दिखेंगे, ऐसे तक भी सीन मैंने देखा है सोलो कॉन्करर लॉबीज में। तो व्हीकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला तुम उससे कवर बना सकते हो, दूसरा तुम बंदों को लाइक काफी बंदे क्या सांप बने रहते हैं, तो तुम व्हीकल यूज करके उन्हें मार सकते हो। बहुत आसान नहीं होता गाड़ी से बंदे को गिराना, तो कभी बंदा अगर लाइक प्रोन है, लास्ट जोन फाइट है, तब वहां पे व्हीकल यूज करके तुम उसे देख सकते हो और उसे मार सकते हो। 13th पॉइंट है, यूज फ्लेयर गन फॉर BRDM। ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, एक रिकमेंडेशन है कि BRDM अगर तुम यूज करते हो तो बहुत अच्छी चीज है सोलो में, क्योंकि एक ही बंदा तुम पे स्प्रे देगा, ऐसा तो नहीं है कि चार बंदे एक साथ मार रहे, तो तुम्हारे BRDM कोई फोड़ना प्रेफर नहीं करेगा, हर बंदे के पास लिमिटेड लूट है। तो BRDM लेके जो घूमता है सोलो में लाइक वो एक हाथी की तरह घूमता है कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत रेयरली ऐसा होता कि कोई BRDM को पूरा फोड़ेगा, तो BRDM अगर तुमको फ्लेयर मिलता है तो इसे मंगवाओ और यूज करो। और हाँ, ध्यान रखना AMR स्नाइपर जो आई है वो इकलौती गन है जो BRDM के अंदर बैठे बंदे को भी मार सकती है, तो ध्यान रखना, ये नहीं कि किसी बंदे के सामने बैठ गए और उसके पास AMR है तो पेल देगा तुमको, ये चीज दिमाग में रख के खेलना। 14th पॉइंट है, ऑलवेज होल्ड कंपाउंड्स एंड एडवांटेजियस पोजीशंस। देखो कंपाउंड्स होल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है सोलो में, क्योंकि थर्ड पार्टीज होती हैं, ये लाइक मैंने अभी 5 बार ये चीज बता चुका हूँ। ओपन में घूमोगे मरना कंफर्म है सोलो में, कैंपिंग बहुत ज्यादा होती है, कंपाउंड्स होल्ड करो। और एडवांटेजियस पोजीशंस क्या है, हाइटेड पोजीशंस और जहाँ पे कवर है तुम्हारे पास, हमेशा हाइट पे रहो, तुम्हें फ्री किल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे सोलो में। लाइक जब लास्ट सर्कल में अगर तुम्हारे पास एक हाइटेड पोजीशन है ना, तो तुमको काफी सारे किल्स ऐसे ही मिल जाएंगे, काफी सारे बंदे तुमको ऐसे ही लेटे मिल जाएंगे, तो इजीली तुम्हें वहां पे काफी सारे किल्स मिल जाएंगे और चिकन डिनर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर तुम्हारे पास एक एडवांटेजियस पोजीशन है और जोन तुम पे है तो। लास्ट पॉइंट है, विन ऑल द लास्ट जोन फाइट्स। अब ये तो ऐसा नहीं है कि तुम मैंने बोल दिया तो तुम जीत जाओगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा काम आएंगे लास्ट जोन में। कभी भी तुम अगर लाइक पूरे प्रोन फाइट है कि सारे बंदे घास में लेटे हैं, तो उस टाइम पे अपने लाइक बैग वगैरह ड्रॉप कर सकते हो तुम, अगर तुम्हारे पास कोई भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उन्हें ड्रॉप कर दो, बैकपैक ड्रॉप कर दो, अपने कपड़े ड्रॉप कर दो, उसके साथ साथ कभी भी लेटे हुए में तुम एनर्जी ड्रिंक या फिर ये सब चीजें यूज मत करो। ग्रेनेड कभी भी यूज करते हो अगर तुम कोई भी चीज फेंक रहे हो, तो उससे तुम्हारा जो हाथ है वो ऊपर की तरफ दिखता है, तो प्रोन होते टाइम अगर तुम कोई चीज थ्रो कर रहे हो कोई भी थ्रोएबल, तो हमेशा अपने जॉयस्टिक को मूव करते रहो, ट्राई करके देखना, जब भी मूव करते करते तुम कोई चीज थ्रो करोगे तो तुम्हारा लाइक जो जेस्चर दिखाता है हाथ का जो फेंकने वाला, वो चीज वहां पे नहीं दिखेगी, तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। एंड जोन फाइट्स में जितना हो सके मूवमेंट कम दो, सामने वाले को स्पॉट करने की कोशिश करो, और अगर तुम्हें इजीली स्पॉट हो जाता है तो जरूर
जरूरी नहीं है कि तुम उसे लेटे लेटे मारो, तुम खड़े होकर भी उसे मार सकते हो। काफी सारे बंदे गलती क्या करते हैं, लेट के मारने की कोशिश करते हैं और उनकी बुलेट्स रिजेस को लगती है, जमीन में ही लगने लगती है, बंदे को नहीं लगती। तो अगर खड़े होने की जरूरत पड़ती है लास्ट बंदे को मारने के लिए तो मारो, कॉन्फिडेंस के साथ रहो। ये सारे पॉइंट्स अगर तुम फॉलो करके खेलते हो तो तुम्हारा कॉन्क्यूरर कन्फर्म है, सोलो टीपीपी हो या फिर सोलो एफपीपी, ये सारी चीजें तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। और मोड के लिए काफी बंदे पूछ रहे थे कि कौन सा मोड खेलना चाहिए, हमें इवेंट खेलना चाहिए कि नहीं, तो मैं रिकमेंड यही करूंगा इवेंट खेलो, क्योंकि पहली बार ऐसा मोड आया जिसमें सोलो बंदे के लिए भी रिकॉल फीचर है। तो सोलो में इस बार रैंकिंग भी थोड़ी सी हाई जा सकती है क्योंकि इजीली रिकॉल हो रहे बंदे और काफी अच्छी लॉबीज भी आने वाली है। सो सोलो में काफी मजा आने वाला है। अब यार देखो, यहां तक वीडियो देख लियो और अभी तक लाइक नहीं किए हो वीडियो को तो बहुत ही गलत बात है। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये टिप्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सोलो में पुश कर रहे हो टीपीपी एफपीपी तो यार ऑल द बेस्ट मेरी जान, तुम्हारा जरूर कॉन्करर होगा, गुड लक। और कोई डाउट हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, बट पहले फॉलो कर लेना फिर ही मैसेज करना, तभी रिप्लाई करूंगा मैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।